हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 20.1 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 20.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए, जो भी आपको गिवन है सबसे पहले आप उसको लिख लें। ओके, इस कोन के अंदर आपको रेडियस गिवन है, ओके, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको हाइट भी गिवन है, एच और आर का वैल्यू आपको गिवन है। ओके, एच का वैल्यू है आपका 8 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। बेसिकली टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस जो आपका बेस एरिया होता है, और बेस क्या है, सर्कल। ओके, और सर्कल का जो एरिया है वो आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, और कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल। ओके, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं बेस एरिया। दैट मीन्स पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, अब बच्चों आपको फाइंड करना है एल का वैल्यू, माने स्लेंट हाइट आपको फाइंड करना है। और इस स्लेंट हाइट फाइंड करने के लिए इस कोन को थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, एच और आर के बीच में आपका बनता है 90 डिग्री एंगल, क्योंकि ये आपका कोन कैसा है, राइट सर्कुलर कोन। ओके, और जो एल है वो आपका एक्ट करेगा एज ए हाइपोटेनियस। अगर हम मान लें यहाँ पे कि आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, ए बी सी, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एल आपका एक्ट करेगा एज ए हाइपोटेनियस, और बी सी आपका जो रेडियस है वो रहेगा आपका बेस, और एच आपका रहेगा परपेंडिकुलर। ओके, तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए, यहां से एल का वैल्यू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब वैल्यूज को आप पुट कर देंगे, एच और आर का वैल्यू। ओके, एच का वैल्यू आपका है 8, तो ये हो जाएगा आपका 64, और आर का वैल्यू है 6, तो 6 × 6 आपका हो जाएगा 36। तो इसके बाद ये सॉल्व होके आ जाएगा अंडर रूट 100। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, 10 × 10, तो दैट मीन्स आपके पास 10 सेंटीमीटर एल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो स्लेंट हाइट आपको मिल चुका है, तो सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, 22/7 × r, r का वैल्यू आपके पास है 6, ओके, l का वैल्यू 10, प्लस 22/7 × r² r स्क्वायर मतलब 36। ओके, अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1320/7, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 792। ओके, अब बच्चों यहाँ पर आप ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपका 7। ओके, इन दोनों को ऐड कर देंगे और फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विद बेस रेडियस 5.25 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस केस में आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और आपको मालूम होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल,
और आपको जो भी गिवन है उसको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। रेडियस का वैल्यू आपको गिवन है 5.25 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट भी आपको गिवन है, ओके, एल का वैल्यू भी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ओके। अब बच्चों इस केस में आपको आर का वैल्यू भी गिवन है और एल का वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपली आपको इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 22/7, ओके, आर का वैल्यू 5.25 इंटू एल, दैट मीन्स 10, ओके। तो बच्चों इसका जल्दी से आंसर लिख के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि एग्जैक्टली इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो बच्चों इस केस में आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, और आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ओके, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके। इसके बाद आपको गिवन है स्लेंट हाइट, ओके, स्लेंट हाइट आपको गिवन है एल का वैल्यू 21 मीटर। इसके बाद डायमीटर ऑफ इट्स बेस, ओके, ये आपका टोटल डायमीटर हो गया, ठीक है। इस डी का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 24 मीटर, ओके, तो ये डी का वैल्यू है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बाई टू, दैट मीन्स 12 मीटर, ओके, तो आर का वैल्यू आपके पास आ गया 12 मीटर, ओके। अब देखिए एल का वैल्यू है आपके पास, आर का वैल्यू है, तो सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ को आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से आप पाई और आर इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, ओके, अंदर क्या बचेगा, देखिए बचेगा आपका एल और यहाँ पर बचेगा एक आर, ओके। तो चलिए इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, 22/7, आर का वैल्यू 12, एल का वैल्यू 21, आर का वैल्यू 12, ओके, 22/7 इंटू 12, इसको ऐड कर लीजिए, दिस विल गिव यू 33, ओके। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन बी 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो बच्चों इस केस में आपको निकालना है रेडियस ऑफ द बेस, यानी आपको आर निकालना है, ओके। अब देखिए एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है कितना है, 65, और क्या गिवन है आपको, स्लेंट हाइट भी गिवन है, ओके, दैट मींस एल का वैल्यू आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम है, पाई आर एल, ओके, 65 आपका एज इट इज रहेगा, ओके, तो पाई से पाई आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ओके, दैट मीन्स आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है, एल का वैल्यू आपको गिवन है, तो ये आपका 8R हो जाएगा, ओके, 60, तो R का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका यहाँ चला जाएगा, ओके, 8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 30/4, ओके। अब 30/4 को फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15/2, 15/2 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7.5, ओके। तो बेसिकली आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ओके, तो ये आर का वैल्यू होगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द कोन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।